हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससीईटी के कुछ ऐसे टॉप कॉलेज के बारे में जो जेईई मेन के थ्रू भी एडमिशन लेते हैं। 15% बेसिकली उन कॉलेजेस में सीट रिजर्व रहती है जो जेईई मेन के थ्रू फिल्ड होती है, तो वहां पे जो भी बच्चे जेईई मेन दिए हुए होते हैं काउंसलिंग कंडक्ट करा सकते हैं और उस 15% सीट में अपने चांस को चेक कर सकते हैं। तो टॉप टू बॉटम हम देखेंगे प्रीवियस ईयर जो क्लोजिंग कट ऑफ रही थी वाया जेईई मेन, उन कॉलेजेस को ही हम टॉप टू बॉटम देखने वाले। तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, VGTI, ये सारे कॉलेजेस जो हैं, ये सारे कॉलेजेस आपको इस वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सारे कॉलेजेस केवल और केवल MSCET रैंक के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे ही एडमिशन लेते हैं जो एग्जामिनेशन होता है MSCET का। और एक दूसरी गुड न्यूज भी है आप सभी के लिए, MSCET में जो जेईई मेन के थ्रू कॉलेजेस मिलते हैं उसकी प्रिडिक्टर भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। कुछ ही दिनों में आपको कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगी। वहां पे आपको कुछ नहीं करना, अपने रैंक को डालना है और रैंक को डालने के बाद चेक करना है कि कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। और साथ साथ टॉप जो कॉलेजेस हैं उनकी जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, फी स्ट्रक्चर है या फिर जो कट ऑफ रही है प्रीवियस ईयर, उन सारे चीजों को भी आप चेक कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना होगा, बस कॉलेज के सेक्शन पे जाना होगा और फिल्टर अप्लाई करके MSCET को सेलेक्ट करना होगा। उसके जितने भी कॉलेजेस MSCET के टॉप कॉलेजेस होंगे वहां पे उसकी डिटेल आप देख सकते हो। तो बिना देरी के वे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10th पोजीशन पे पिंपरी चिंचवार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 40,000 के आसपास क्लोज हो गया था प्रीवियस ईयर। लास्ट राउंड कट ऑफ आपको दिख रहा है यहाँ पे जेईई मेन का 50,000 के आसपास। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लोज हो गया था 85,000 के आसपास। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन क्लोज हो गया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 90,000 के आसपास क्लोज हो गया था। 1,13,000 के आसपास क्लोज हो गया था सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट को मर्ज करके दिखाया जा रहा, जो भी हाइएस्ट क्लोजिंग कट ऑफ रहा था वो दिखाया जा रहा है। तो जो भी ब्रांच में फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट होगा उसको मर्ज करके ही यहाँ पे डेटा डिस्प्ले कराया जाएगा। विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 9th पोजीशन पे है और यहाँ पे जो भी रैंकिंग दिखाया जा रहा है कोई भी नेर्फ रैंकिंग के अकॉर्डिंग नहीं दिखाया जा रहा है। जो भी क्लोजिंग कट ऑफ गया है उसके अकॉर्डिंग कॉलेजेस आपको टॉप टू बॉटम दिखाए जा रहे हैं ताकि आपको चॉइस में हेल्प मिल सके। 36,000 के आसपास कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 53,000 के आसपास क्लोज हो गया था। 1,00,000 के आसपास क्लोज हो गया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 1,40,000 के आसपास क्लोज हो गया था। 7,60,000 के आसपास इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था। 8th पोजीशन पे थरुमल इंजीनियरिंग कॉलेज, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 28,000 के आसपास क्लोज हो गया था। 42,000 के आसपास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लोज हो गया था। 58,000 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन क्लोज हो गया था। केमिकल इंजीनियरिंग 76,000 के आसपास क्लोज हो गया था। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 1,80,000 के आसपास क्लोज हो गया था इस कॉलेज का। नंबर सेवंथ पोजीशन पे श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 31,000 के आसपास क्लोज हो गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 36,000 के आसपास क्लोज हो गया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 41,000 के आसपास क्लोज हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 43,000 के आसपास क्लोज हो गया था। सिविल इंजीनियरिंग 86,000 के आसपास क्लोज हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन टेक्नोलॉजी 1,16,000 के आसपास क्लोज हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 98,000 के आसपास क्लोज हो गया था। 1,22,000 के आसपास इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जाके क्लोज हो गया था। अगले नंबर पे आता है विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 24,000 पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 26,000 के आसपास क्लोज हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 43,000 के आसपास क्लोज हो गया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 46,000 के आसपास क्लोज हो गया था। केमिकल इंजीनियरिंग 97,000 के आसपास क्लोज हो गया था। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 1,00,000 प्लस गया था। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग 1,30,000 के आसपास क्लोज हो गया था। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 1,80,000 के आसपास क्लोज हो गया था। अगले नंबर पे आता है KG सुमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। काफी टॉप का कॉलेज है और प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छी है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड या अदर डिटेल जो भी आपको देखना है वो कॉलेज टी पॉइंट के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे देख सकते हो। कुछ ही दिन में अपलोड डेटा कर दिया जाएगा जहां से आप सारे कॉलेजेस को एक्सेस कर सकते हो। अपने रैंक को डालो और बस देखो कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है आपको जेईई मेन के थ्रू। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 14,000 के आसपास क्लोज हो गया था। 19,000 के आसपास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लोज हो गया था।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग 26,000 के आसपास क्लोज हो गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 35,000 के आसपास क्लोज हो गया था, और 55,000 तक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट नंबर पे आता है द्वारका दास के जी सांगवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 13,000 के आसपास क्लोज हो गया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 15,000 के आसपास क्लोज हो गया था, 32,000 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन क्लोज हो गया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 39,000 तक चला गया था, 46,000 तक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चला गया था, केमिकल इंजीनियरिंग 49,000 तक चला गया था, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 1 लाख प्लस चला गया था, और 1,34,000 तक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इस कॉलेज का चला गया था। अगले नंबर पे आता है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। बेसिकली अभी तो ये थर्ड नंबर पे है, लेकिन काफ़ी टॉप का कॉलेज है, कंप्यूटर साइंस नहीं है इसमें, इसलिए रैंकिंग के अकॉर्डिंग, क्लोजिंग रैंकिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा नीचे है। बट जो भी बच्चे केमिकल इंजीनियरिंग लेना चाह रहे, उनका इंटरेस्ट केमिकल इंजीनियरिंग में, इससे बेस्ट इंडिया में कोई भी कॉलेज नहीं है, काफ़ी टॉप का कॉलेज है केमिकल इंजीनियरिंग में। तो आप आँख बंद करके इस कॉलेज को टॉप पे रख सकते हो अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए। फूड एंड इंजीनियरिंग ये यहाँ पे 25,000 पे क्लोज हो गया था, 20,000 पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्लोज हो गया था, पॉलीमर इंजीनियरिंग 25,000 पे क्लोज हो गया था, ऑयल टेक्नोलॉजी 34,000 पे क्लोज हो गया था, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी 31,000 के आसपास क्लोज हो गया था, डाई स्टफ टेक्नोलॉजी 49,000 पे क्लोज हो गया था, फाइबर एंड टेक्सटाइल प्रोसेस टेक्नोलॉजी 49,000 के आसपास क्लोज हो गया था। सेकेंड पोजीशन पे आता है पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये भी काफ़ी टॉप का कॉलेज है, 12,000 पे ही जाके कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था। आप समझ सकते हो जेई मेन रैंक के थ्रू 12,000 पे कोई कॉलेज क्लोज हो रहा है तो कितना टॉप का कॉलेज हो सकता है। 18,000 के आसपास क्लोज हो गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 30,000 के आसपास क्लोज हो गया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और 32,000 पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये बेसिकली शिफ्ट सेकेंड है, यहाँ पे ये छूट गया था। तो दोनों को मिला के आप मान के चलो 32,000 के आसपास आपका रैंक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इस कॉलेज में मिल सकता है आपको। पहले नंबर पे आता है भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 8400 के आसपास क्लोज हो गया था कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 11,000 के आसपास क्लोज हो गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 20,000 के आसपास क्लोज हो गया था, 33,000 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था। तो यहाँ पे जो भी कॉलेज दिखाए गए हैं वो जेई मेन रैंक के बेसिस पे दिखाए गए हैं, और आप अपने कॉलेज को प्रिडिक्ट भी कर सकते हो हमारा प्रिडिक्टर यूज करके। बहुत जल्दी प्रिडिक्टर जेई मेन का फॉर MSCET अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पे बस आपको रैंक डालना है, रैंक डालने के बाद आप टॉप टू बॉटम आपको कॉलेज खुल के आ जाएगा, और आप देख सकते हो कि आपके रैंक पे आपको सबसे बेटर कॉलेज कौन सा मिल सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अभी बहुत सारे इसके रिलेटेड वीडियो आने वाले। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।